भारतीय विद्वत महासंघ ने मंगलवार को मानसरोवर मंदिर पर भगवान परशुराम की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। विद्वत महासंघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्य अर्पण किया और मंत्र उच्चारण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात एक दूसरे को मिठाई खिलाकर परशुराम जयंती की बधाई दी। इस दौरान रमेश पांडे, शेषमणि पांडे, कुलदीप पांडे, आनंद पांडे, सदानंद पांडे, आकाश शुक्ला, वीरेंद्र तिवारी, स्मृति तिवारी, शशि त्रिपाठी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय विद्वत महासंघ के महामंत्री पंडित बृजेश पांडे ने कहा, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तु श्री भगवान की जय। श्री भगवान की जय। श्री भगवान की जय। आरिचने में स्वस्ति नो बृहस्पति दधातो पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति। ओ शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। पंडित बृजेश पांडे, भारतीय विद्युत महासंघ, महामंत्री, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परशुराम जयंती, भगवान परशुराम आज वैशाख कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन इनकी उत्पत्ति हुई थी। यह भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। भगवान विष्णु जी लोक कल्याण के लिए राम के रूप में माता रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम जगदनी ऋषि था। इनकी शिक्षा दीक्षा भगवान शिव जी के देखरेख में हुई। भगवान शिव जी इनको अपना परशु अस्त्र जो है दान में दिए, जिससे इनका नाम परशुराम हो गया और उन्हीं के द्वारा अस्त्र की शिक्षा दी गई, जिससे परशुराम जो है लोक में ख्याति बढ़ाए। यह जो है लोक कल्याण के लिए हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि भगवान परशुराम जब आए तो इन्होंने जो लोक कल्याण के लिए हम लोगों के संहार रक्षा के लिए आगे जो है अपना जो है प्रयत्न जो है करते रहे। और भगवान विष्णु जी और शंकर जी के या रूप में या लोक का जो है कल्याण किया।